हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। अरे ठीक हो? चलो नोटबुक निकालो और कार्यक्रम को जो है वो प्रारंभ करते हैं। अरे जतिन है, कहीं हो बेटा? ठीक ठाक आया नहीं तो आज लाइव बैठा है। चलो कहाँ तक हो गया था बेटा, जल्दी बताओ भाई। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बता दिया था, कंप्लीट हो गया था क्या? कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मतलब वर्नर थ्योरी के जो बेसिक पॉइंट है वो सारे आपको बता दिए थे। चलिएगा सर, अब अपन लोग जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगली बात जो है वो करते हैं कि क्या होने वाला है? बच्चों की तरह ऊपर से बंद कर। हाँ भाई, तो चलो सर हेडिंग लगाओ नेक्स्ट। अब वर्नर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, तो हेडिंग डाल दो सर, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ COCl3.5NH3। वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ COCl3.5NH3। ध्यान से सुनना बच्चा, क्या लिखा है कि तबीयत खराब है। चलो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखा करो थोड़ा सा। अब देखो सर, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है COCl3.5H2O और अपने को क्या बोला है, इसका वर्नर रिप्रेजेंटेशन बताओ। यार आप लोगों को जो काम करना है, आप लोगों को जो काम करना है वो क्या है, ध्यान से सुन लेना। ये मेरा कॉम्प्लेक्स है COCl3.5NH3, सही है। अब देखो यार, यहां से है ना, मैं जो जो इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं उन इंफॉर्मेशन की मैं पहले बात करता हूं, तो एक बात बताओ कि यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना दिख रहा है, +3, सही है क्या? चलो एक बात बताओ कि अगर कोबाल्ट +3 में है तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलेगा, 6। कंफर्म बनाइए, ये कैसे पता चला, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, करेक्ट है ना। अब अगली बात सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल आती है क्या, याद आया कल वाला? तो अपन क्या बोलेंगे कि ये कितना आएगा बेटा, 3। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, कितनी आएगी रे, 6, करेक्ट है क्या? अब ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर आप लोगों के पास कौन है, कोबाल्ट का 3+, सही है। अब देखो सर, यहां पर अपन बात करेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी, कोबाल्ट 3+ को एक बार हटा देते हैं, ये बोलो भैया प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा? प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव है और पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए कौन आता है, एनायन आता है, Cl- आता है। बोल बच्चा कितने Cl- चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, 3 चाहिए ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर सेटिस्फाइड बाय किससे, तो अपन क्या बोल देंगे 3Cl-। कौन सेटिस्फाई हुआ, प्राइमरी वैलेंसी। कंडीशन क्लियर है? चलो भैया अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ध्यान से सुनना। ये तो प्राइमरी वैलेंसी का सेटिस्फेक्शन हो गया, अब अपन बोलेंगे कि भैया सेकेंडरी वैलेंसी जो है इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर सेटिस्फाइड बाय, कौन सेटिस्फाइड करेगा? देखो सर, सबसे पहले कौन करेगा, 5 लिगेंड न्यूट्रल वाले, क्या आ गया 5NH3, क्या अभी कंप्लीट हुआ गया, नहीं सर। तो अब अपन क्या करेंगे कि एक Cl- को क्या बनना पड़ेगा, लिगेंड बनना पड़ेगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 1Cl- जो है वो भी क्या करेगा, यही काम करेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो अब सुनो यार ध्यान से, क्या यहां पर 3Cl- जो है वो प्राइमरी का काम कर रहे हैं क्या, और 1Cl- जो है वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी का काम कर रहा है। टोटल कितने Cl लग रहे हैं, 4, अवेलेबल कितने हैं, 3। तो एक बात बताओ कि एक को ड्यूअल नेचर शो करनी पड़ेगी क्या, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 1Cl- शो ड्यूअल नेचर, क्या शो कर रहा है बेटा, ड्यूअल नेचर जो है वो शो कर रहा है। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या, हाँ या ना। तो अब सुनो यार, अगर मेरे को इसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला लिखने का तुम्हें पता है कि सर CO क्या आ जाएगा बच्चा, NH3 होल 5, बाहर Cl आ गया और बचे हुए 2 Cl कहां पर आ जाएंगे बेटा, यहां पर। बात क्लियर है क्या? अब देख लो सर, क्या कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है क्या, आ रहा है। अब देखो सर, हम लोग है ना इसका डायग्रामेटिक सेक्शन पे चलते हैं, तो ये कौन है आप लोगों का, कोबाल्ट का 3+ आ गया,
पांच NH3 जो है वो किसका काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर सेकेंडरी वैलेंसी का, तो ये लो सर फर्स्ट NH3 किससे बनाओगे रे, सॉलिड लाइन से, किससे बनाओगे सॉलिड लाइन से, तो ये क्या बन चुके हैं आप लोगों के पास, आपके 5NH3 जो है वो बन चुके हैं। आगे गया, आगे अब कौन बचा, HCl- जो क्या काम कर रहा है, ड्यूल नेचर शो कर रहा है, और जो ड्यूल नेचर शो करता है उसको किससे बनाते हैं, तो अपन कहते हैं कि सर थिक यानी कि सॉलिड प्लस डॉटेड लाइन से। कंडीशन क्लियर है। अब अगली बात सुनना, क्या मैं यहां पर ये कह दूंगा कि सर ये जो कंडीशन आप देख रहे हो इसमें दो Cl- और आएंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ओनली प्राइमरी वैलेंसी को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो इतना क्लियर है क्या। अब सुनो यार, अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालता हूं तो आयोनाइजेबल कौन होगा, केवल ये दो Cl। क्या ये वाला आयोनाइजेबल होगा क्या, नहीं सर ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों काम कर रहा है इसलिए ये आयोनाइजेबल नहीं होगा। तो आ जाओ भैया CONH3 CONH3 होल 5 Cl, बाहर क्या है दो Cl, और अगर आप लोग इसको वाटर में डिप कर देते हो, आप लोग इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देते हो, तो इट विल फॉर्म CONH3 होल 5 Cl, और ऊपर चार्ज कितना आएगा रे 2+, और साथ में मेरे बच्चे क्या आ जाएगा 2Cl-। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या, आसान सी चीज है क्या, आसान सी चीज है। अगली बात सुनना, अगर मैं कह दूं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ आयन कितने आ गए, 3, सबको पता है। चलो भैया अगला पॉइंट सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl PPT, अगर मैं इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करता हूं, पीपीटी व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, बोलो भैया कितने मोल दे देगा, बाहर जितने हैं उतने ही आएगा, कितने मोल आएंगे बच्चों, तो आप लोग क्या बोल दोगे 2 moles, कितने आ जाएंगे 2 moles। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या, क्या आराम से आप लोग कर सकते हो गया, अरे हाँ या ना, बात पल्ले पड़ गई क्या। ये होता है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। कंडीशन क्लियर, लपेटो, ये वर्नर का थियरी था बेटा, बनाओ देखिए फटाफट बनाओ और खेल को खत्म करो, आसान है सिंपल है। एक बार बता कि अगर मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं तो क्या बनेगा AgCl का पीपीटी, AgCl के पीपीटी कितने बनेंगे, समझ गया, इसका 1 mole ले ले तो ये 2 mole Cl देगा, तो AgNO3 के साथ क्या बनाएगा 2 mole AgCl। क्लियर है क्या, ठीक है बना लो फटाफट बना लो बच्चों। आकिब सर की क्लास है अभी, एक बार उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, हाँ दो चार दिन में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्लास सब लगेंगी, सब होएगा। हाँ बेटा, हाँ अभी फिजिक्स केमिस्ट्री चल जाएगा, फिर वापस से लग जाएगी उनकी, चलता रहेगा ये तो सीक्वेंस चलता रहता है।
हो गया बच्चों? सर पीपीटी वाला फिर से बताना। अरे मेरे बच्चे ध्यान से सुन, अपन क्या कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट HgCl का पीपीटी बनाएगा। तो ये बता, ये कॉम्प्लेक्स जो है इसका एक मोल कितने मोल Cl- दे देगा बच्चा? दो मोल। तो दो मोल HgCl का पीपीटी जो है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर? बता देखे, बात पल्ले पड़ गई या यस और नो में बता फटाफट। जतिन भूरिया जल्दी बोल मेरे बच्चे। चलेंगे चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वर्नर थियरी पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप से मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे कि भैया क्वेश्चन कैसे मिलेगा और हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मिलता है और बहुत ही सिंपल वे में आप क्वेश्चन को लपेट सकते हो। तो चलिएगा उसी चीज की हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो सुनना देखो सर, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन का लिखेंगे और क्वेश्चन लिखने का काम आपका है, लिखिएगा। लिखो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग पॉसिबल कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कॉम्प्लेक्स, पॉसिबल कॉम्प्लेक्स, पॉसिबल कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COCl3.6H2O, COCl3.6H2O show maximum electrical conductivity, so maximum electrical conductivity in aqueous solution, aqueous solution. Options are COH2O whole 6 Cl3, COH2O whole 5 Cl, Cl2.H2O. Number 3, COH2O whole 4 Cl2, Cl.2H2O. Number 4 is COH2O whole thrice Cl3 3H2. You have four choices, select anyone. आपके पास चार different options हैं, आपको कोई एक option क्या करना है, select करना है और वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले बेटा? First, are you sure? भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को वो कॉम्प्लेक्स ढूंढना है, वो पॉसिबल कॉम्प्लेक्स ढूंढना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, जहां पर क्या हो सकता है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो हो सकती है। ठीक है यार, एक बात बताऊं ना, मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करता हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है या कंडक्टेंस होती है, ध्यान से सुनना, कंडक्टेंस जो होती है क्या वो नंबर ऑफ आयन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? भैया जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, कंडक्टेंस हो जाती है। सही है ना? यहाँ पर आते हैं, अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो ये टोटल कितने आयन्स प्रोवाइड करेगा? तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बच्चे, क्या COH2O होल 6 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +3 Cl माइनस, टोटल नंबर ऑफ आयन्स आर 4 आयन्स, करेक्ट है क्या? सिमिलरली बच्चे मैं अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं तो ये कितने आयन्स दे देगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? 3 आयन्स। सर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने आयन्स दे देगा? तो आप लोग क्या बोल दोगे? 2 आयन्स। अगर बच्चा मैं इसकी बात करता हूं, इसकी मैं बात करता हूं, तो ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या बनाएगा? COH2O होल थ्राइस CL3। इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना आएगा? 0। सही बात है क्या?
क्यों? अंदर प्लस थ्री सेटल हो गया तो ये क्या बनता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है क्या? अब देखो सर, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और H2O जो होता है मेरे बच्चे, H2O क्या एक डाइपोल की तरह काम करता है क्या? यस और नो? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया न्यूट्रल और डाइपोल के बीच में अगर आपको अट्रैक्शन देखना हो तो इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन लगेगा रे? वैन डर वाल फोर्स लगेगा। अगर वैन डर वाल फोर्स की मैं बात करूं तो वैन डर वाल फोर्स होता है वीकेस्ट फोर्स ऑफ केमिस्ट्री। मेरे बच्चे अगर ये वीकेस्ट फोर्स है तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड स्टेट में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, तो अपन क्या बोलेंगे? यहां पर नहीं रहेंगे। इट मींस ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेरे बच्चे क्या है? नॉट पॉसिबल। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? नॉट पॉसिबल। ये कॉम्प्लेक्स तो पॉसिबल ही नहीं है। अपन ने ये तो लिखा पॉसिबल कॉम्प्लेक्सेज, हाँ या ना? तो अपन ने क्या बोला भैया ये तो लुट गया। आ जाओ भैया, ये फोर, ये थ्री, ये टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन कौन दे रहा है? ये, तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी? इसकी होगी। अब देखो सर मेरे क्वेश्चन सुनते जाना और बात को समझते जाना। सुन लो बेटा एक बार, संकेत सुन लो। अपन यहां पर बात करते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर वन हमसे वो बोलता है कि सर ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सुन लो भैया, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा? फर्स्ट का, फिर सेकंड का, और फिर किसका होगा? थर्ड का। सही है क्या? चलो यार अगली बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल पीपीटी, पीपीटी व्हेन व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हाँ भाई, अब ये देखो भैया, ये कितने मोल पीपीटी देगा? तीन मोल। ये कितने देगा? दो मोल। ये कितना देगा? एक मोल, करेक्ट है क्या? तो अगर अपने से ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर क्या आएगा? थर्ड। ये कितने मोल दे देगा मेरे बच्चे? थ्री मोल। ये कितने मोल दे देगा? टू मोल। और मेरे बच्चे ये कितने मोल देगा? ओनली वन मोल दे देगा। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? अरे यस और नो? यस। अगली बात सुनना, अगली मैं बात करता हूं यहां पर एक सिंपल सी बात करता हूं। आप लोगों ने एक नाम सुना है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काम क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब पानी निकाल लेता है। तो अपन यहां पर बात करेंगे बेटा किसकी? तो आपने बोला कि सर कॉन्क H2SO4, क्या ले लो? कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 का काम क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट वॉज डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? अगर मेरे बच्चे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो इसको कहीं पानी मिला तो पानी को ले जाएगा। देखो भैया ये पानी तो जा नहीं सकता, कोऑर्डिनेटेड वाटर है, फंसा हुआ है। जो बाहर पानी है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये उड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, अपन क्या बोलेंगे कि सर अगर पानी उड़ जाएगा तो क्या इसके वेट में लॉस होएगा क्या? यस सर। तो ध्यान से सुनना, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस व्हेन कॉम्प्लेक्स, when complexes, when complexes treated with, when complexes treated with conc H2SO4, conc H2SO4। कंडीशन क्लियर है? बोलो भैया सबसे ज्यादा वेट लॉस किसमें होगा? तो अपन क्या बोलेंगे? थर्ड में। फोर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा थ्री में, फिर टू में, फिर वन में। बोलो बात क्लियर है क्या? ये सारे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं बेटा? इस पे बन सकते हैं। लपेटो भाई, हाँ भाई, लाइव वालों, जतिन, रोहित, बच्चों क्या बात पल्ले पड़ गई बताओ? देखे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन होगा। अगर भाई मैं इस क्वेश्चन का पैटर्न बदल दूं, मैं आपको ये कह दूं कि सर मिनिमम कंडक्टिविटी और ये ऑप्शन दे दूं, तो आप श्योर गलत कर दोगे। अगर मैं आपको पहले ना ये बातें ना बताकर मैं आपको क्वेश्चन दे देता मैक्सिमम की जगह अगर मिनिमम का, और मिनिमम का ऑप्शन देके मैं आपसे ये क्वेश्चन करता तो आप डेम श्योर था आप आंसर क्या देते? फोर। गलत कर देते आप। बात पल्ले पड़ गई? तो वही चीज, अगर भाई ऑप्शन यही है, चीजें यही है, आप फिर भी गड़बड़ कर सकते हो, तो आपको ये ध्यान रखना कि भैया पॉसिबिलिटी है या नहीं है। जल्दी करो, एग्जाम के प्रेशर में बेटा पता नहीं चलता ना यार, सबसे बड़ी बात यही होती है कि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है।
जल्दी बनाओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डीपीपी, अरे यार मेरा माइंड से स्लिप हो गया, कल श्योर है। वैसे मैं उस पर तो मैंने डाल उस पर तो मैं डाल दूंगा, क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे, तो ठीक है टेलीग्राम से एक बार के लिए ले लेना ठीक है, और बाकी जो कल आपको प्रिंटेड मिल जाएगा ठीक है। दिमाग से स्लिप हो गया यार। सब मिलेगा, डीपीपी क्वेश्चन बैंक सब मिल जाएगा। चलें क्या? हो गया, जल्दी करो यार वर्नर ही खा जाएगा मेरा लेक्चर तो पूरा, वर्नर ही पूरा लेक्चर खा जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following complex? Which of the following complex cannot act as an electrolyte? Which of the following, which complex cannot act as an electrolyte? Options are ऑप्शन नंबर वन COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 एंड COCl3.3NH3। कौन है जो क्या काम नहीं कर सकता? तो अपन लोग क्या कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट का काम नहीं कर सकता। क्लियर, एक आंसर आया है फोर्थ। अबे लाइव वालों जल्दी बता दो, बताओ बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चंस की अपन बात करें तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर सब जगह कोबाल्ट प्लस थ्री में है, प्लस थ्री में है तो मेरे बच्चे इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? तो आप क्या बोलोगे? CO NH3 होल 6 Cl3। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा CO NH3 होल 5 एक Cl अंदर दो Cl बाहर। देख सकते हो क्यों बन रहा है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि क्या होने वाला है। तो चलिएगा भैया यहां पर अपन बात करें तो आप क्या बोल दोगे? CONH3 होल थ्राइस और बाहर क्या आ जाएगा? Cl3।
बाहर क्या आ जाएगा, Cl3। बोलो सर बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना, ये कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब किसी बच्चे के दिमाग में है ना पुराने वाली बात फिर से आ सकती है, बोला मास्टर पीछे वाले में तो बोला था ऐसा पॉसिबल नहीं होता मेरे बच्चे, उसमें साथ में वॉटर था, यहां पर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ कोई बॉन्डेड नहीं है। बात पल्ले पड़ गई। अब देखो सर ये कितने आयोन्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, फोर आयोन्स। ये कितने दे देगा बच्चा, थ्री आयोन्स। ये कितने दे देगा बच्चा, टू आयोन्स। और ये क्या देगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ये न्यूट्रल है। तो एक बार बताओ कि ये खुद न्यूट्रल है तो क्या कंडक्टिविटी पास करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करेगा क्या? नहीं सर, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन मार्क करें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात पहले पड़ गई। लवेश, लवीश है या लवेश है, लवीश। ओके हा? क्या दो तीन दिनों से क्या चल रहा था, अबे गधे बेसिक चल रहा था, वो बेसिक बातें पढ़ाई थी मैंने। सगला ये कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ मतलब तुम्हें क्वेश्चन चाहिए ऐसे जो देखते ही हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है यार है? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, अब ये सोच तू मेरे को पढ़ाने में कितना जोर आया। चलो चले आगे। चलेंगे, चलो चलिए सर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हेडिंग क्या, क्वेश्चन लिखो लिखो, कॉम्प्लेक्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्सेज, कॉम्प्लेक्सेज CuH2O whole 4 SO4.H2O and CuH2O whole 6 Br2। Complexes this and this cannot be distinguished by which method? Options are color oblique nature of PPT, cannot be distinguished by which method? First option is color oblique nature of PPT. Number of moles of formed PPT. Number of moles of formed PPT. By treating with conc H2SO4, conc H2SO4, by appreciable difference in conductivity बोलिए सर।
कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो मेथड आपको देखना है। तो कॉम्प्लेक्स आपके पास है, हो जाओ शुरू, दिमाग लगाओ। फोर्थ सोच ले, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस में नंबर अलग है, ये बात है क्या पक्का? अब वो तू देख ले, मेरे को क्या पता है, पक्का है? दो सीधे कैंसिल कर दूं क्या? चलो कोई बात नहीं, आयो सर बात करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या होने वाला है। देखो सर, दो सर पहला कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स दोनों ले लेते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है CO H2O होल फॉर, बाहर है SO4 डॉट H2, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, कलर नेचर ऑफ PPT। एक बात बताओ बच्चा, अगर मेरे को इसका PPT चाहिए तो मैं इसमें क्या डाल दूं रे? बेरियम क्लोराइड। क्या डाल दूं? बेरियम क्लोराइड। तो ये किसका PPT देगा? बेरियम सल्फेट का PPT देगा। हाउ मेनी मोल्स? ओनली वन मोल। कितने मोल देगा? वन मोल देगा, करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? CuH2O होल 6 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स जो भी हो, बाहर क्या है? Br2। अब बोलो भैया हेलोजन है तो क्या डाल दूं रे? सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या दे देगा? 2AgBr का PPT देगा। कलर कैसा होता है? पेल येलो। सही है क्या? पेल येलो, हल्का पीला हो गया। अब अपन क्या कहते हैं कि क्या आप इनको कलर से पहचान सकते हो? गया तो आप क्या कहते हो कि इस PPT का कलर कैसा होता है? व्हाइट। एक व्हाइट है, एक पेल येलो है, क्या इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या फर्स्ट आंसर हो सकता है? क्या इसने पूछा है? कैन नॉट बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्म्ड PPT, वन मोल ऑफ PPT एंड देर आर टू मोल्स ऑफ PPT। क्या आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? कर सकते हैं। बाई ट्रीटिंग विद कॉन्क H2SO4, एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें कॉन्क H2SO4 डालूं तो वेट लॉस होएगा कि नहीं होएगा? क्या यहाँ पे वेट लॉस होएगा? क्या नहीं होएगा? तो वेट लॉस के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट अपन यहाँ पर क्या करना है? नहीं कर सकते, वो ऑप्शन लेना है। तो अब क्या बचा? बाई एप्रिसिएबल डिफरेंस इन कंडक्टिविटी। सुन लो बे मूर्खों, पहले एप्रिसिएबल का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएबल, एप्रिसिएट करना नहीं, एप्रिसिएबल। एप्रिसिएबल का मतलब होता है कि जिसे अपन जज कर पाए, जिसे अपन बता पाए कि भैया एक प्रॉपर डिफरेंस है और यहां पर हम लोग उसमें आइडेंटिफिकेशन कर पाए, जिसे हम देख पाए, समझ पाए, That was appreciable. बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इसको पानी में डालो तो ये देता है CO H2O whole 4 और चार्ज कितना आ जाता है? +2 और साथ में क्या मिल जाता है? SO4 -2। अपन बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आयोन्स कितने हैं? 2 आयोन्स, और साथ में आयोन के साथ चार्ज कितना है? तो अपन क्या बोलेंगे? +2 -2। सही है ना? यहां पर देखो, अगर मैं इसको वाटर में डालता हूं तो ये मेरे को क्या देता है? CO H2O होल 6 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स विल बी +2 +2 Br- देयर आर नंबर ऑफ आयंस आर 3 आयंस, करेक्ट है क्या? 3 आयंस आपको यहां पर मिलते हैं। अब सुनो सर, नंबर ऑफ आयन के बेसिस पे तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, हां या ना? अरे हां या ना? 3 आयन है। यहां पर मैं देखूं तो चार्ज आ रहा है +2 -2, बट बेटा यहां पर चार्ज कितना आ रहा है? +2 -1। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा, हाँ या ना? एक इसको सपोर्ट कर रहा है, एक इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो डिफरेंस आता है
वो एप्रिसिएबल नहीं आता। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है जिसमें हम लोग डिफरेंस उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि किसके बेसिस पे आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दैट वाज एप्रिसिएबल डिफरेंस इन कंडक्टिविटी। बात पल्ले पड़ गई। ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नहीं आते बेटा, टेंशन मत ले। वो दिन गए सालंग आ गए, जल्दी करो यार। हाँ, CU वो लिखा गया होगा यार, CU। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, बस हल्ले देख ए, ये बन गया CU। चला बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलो। तो मैं NCERT के दो क्वेश्चन बताता हूँ आपकी। NCERT जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको वो सॉल्व करने हैं। चलो अब देखो सर, अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की, एक छोटे से क्वेश्चन की। आपके पास क्वेश्चन है नंबर वन, NCERT का क्वेश्चन है PDCl2.4NH3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है। क्या डाल देना है, सिल्वर नाइट्रेट डाल देना है। तो कितने मोल AgCl का PPT आएगा ये आपको बताना है। चलो हो जाओ स्टार्ट। AgCl का PPT आएगा, कंप्लीट करो इसको। मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। बताओ देखें। हाँ बेटा, दो मोल बनेंगे। चलो आ जाओ बात करते हैं। देखो सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो PD का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है। तो जो मेरे बच्चे कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, PDNH3 होल 4, और बाहर कितना आ जाएगा, Cl2। इस Cl2 में आपने क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट। तो मेरे बच्चे क्या मिल जाएगा, 2 मोल AgCl का PPT मिल जाएगा। ये क्या है आपके NCERT का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखिएगा भाई, PtCl4.2HCl। इसमें डाला है इसने अगेन सिल्वर नाइट्रेट, और आपको बताना है क्या होगा इसके साथ। बोलो भाई,
बोलो। हाँ हाँ आराम से सोचो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई बोलो। जीरो बोल। चलो आ जाओ, देखो सर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा। यहाँ पर पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस फोर, तो कॉम्प्लेक्स क्या आएगा, पीटी सी एल सिक्स। पीटी प्लस फोर में कब आएगा, जब यहाँ पर माइनस टू आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो एच प्लस, तो क्या बन जाएगा, एच टू पी टी सी एल सिक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर बेटा तू सिल्वर नाइट्रेट डालेगा तो सिल्वर नाइट्रेट डालने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर देखो H प्लस है और H प्लस पीपीटी नहीं देगा, तो क्या बन जाएगा, नो पीपीटी। बहुत बढ़िया सर, ये एक एसिडिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल होता है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स H प्लस क्या करता है, रिलीज करता है। क्लियर सर, नोट करें, आगे बढ़ते। ये आपका वर्नर थियरी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये आपका वर्नर थियरी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चले आगे, ये खेल खत्म। क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसे भी लग सकते हो यार, बात पहले पड़ गई ना। चले आगे, हो गया। जैसे अपन लिखते हैं CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O लिखते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, CuH2O4SO4.H2O, बात पहले पढ़ रही है, ब्लू विट्रियल। हाँ भाई लाइव वालों, चले आगे। अबे गधे अभी तक लिखा नहीं तूने, इतना टाइम थोड़ी होता है यार, ऐसे मत कर यार, जल्दी कर। लिख ले फटाफट, लिख ले नोटंकी करें, हो गया। चलो ये टॉपिक भी आपका। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसका नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं, वो क्या है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, EAN, क्या होता है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। आ जाओ भैया, अब देखो सर हम बात करते हैं कि EAN जो है वो क्या होता है, ध्यान से सुनना और बात को समझना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अपन क्या कहते हैं कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सीएमआई जो है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद सीएमआई में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बात पहले पड़ गई, तो डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन में लिखो, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर है सर। चलो अब आपको मैं इसको ना एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। देखो सर मेरे पास ना एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या है, K4FeCN6, क्या है, K4FeCN6। ये एग्जाम्पल मेरे बच्चों आपको गिवन है। अब ध्यान से सुनना, जो बात यहां पर आने वाली है वो क्या है कि वो बोलता है कि सीएमआई कौन है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये सीएमआई है, तो आप इसका ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो निकाल के बताओ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो आ जाओ भैया, टोटल इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका एटॉमिक नंबर,
ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 26, सही है, जेड एटॉमिक नंबर, सुनते जाना। अब अपन क्या बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है इसका? प्लस टू। एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, निकल गया तो अपन क्या बोल देंगे? माइनस। और यहां पर क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो आप क्या बोल दोगे? प्लस टू। क्लियर है बात? पहले पड़ गई, हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस भी हो सकता है, कई बार आएगा, ठीक है। प्लस, अब देखो सर, अपन क्या बोलेंगे कि सर ये कौन है? लिगेंड। लिगेंड से क्या कर रहा है? लोन पेयर ले रहा है। कितने लोन पेयर ले रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, हाँ या ना? एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, तो अपन क्या बोलेंगे? टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ या ना? पक्का ना? तो क्या मैं ये कह दूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना है? सिक्स, छह लोन पेयर लिए, तो अपन क्या बोल देंगे? जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप बना सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे लेना है तो अपन क्या बोलेंगे? विद साइन लेना है, विद साइन लेना है। बच्चा अक्सर गलती कर देता है, गड़बड़ हो जाती है। आजा बच्चा, यहां पर क्या बन जाएगा? 26 माइनस 2 और ये कितना है? 12, 12 में से 2 गया, कितना आ गया? 10, तो अपन कितना बोलेंगे? कितना आ गया बच्चा? 36। बोलो, बात पल्ले पड़ गई है? ये होता है ई एम, लपेट लो, ये होता है ई ए एन। EANCMI का ही निकलेगा भाई, हर किसी का मत निकाल देना, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल दोगे यार, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे बच्चों। बहुत आया, कर लो। इनके ई ए एन आपको क्या करने हैं? निकालने हैं। इनके ई ए एन क्या करने हैं आपको? निकालने हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, देखिए फटाफट इनके ई ए एन क्या करने हैं आपको? निकालने हैं, और फटाफट निकालो, देखें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या होएगा। बोलो सर, कर लोगे क्या?
एक आधा बताऊं क्या? चार कर लिए, चलो बहुत बढ़िया। 25 और 10 35, इसका ई ए एन आ रहा है 35, यही आया गया। इसका ई ए एन आ रहा है 37, इसका ई ए एन आ रहा है 35, आगे कर लेना तुम, इतना ही बताऊंगा। हाँ भाई लवीश, मैच कर गए क्या? ठीक है, तो चलो ये आपको करने हैं घर से, इन पे डिस्कशन करूंगा मैं अगले लेक्चर, क्लियर है? तो तब तक के लिए आप लोग जो है वो घर से इसको प्रिपेयर करना।